हाय एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम लोग बिना बेले गेहूं के आटे की खस्ता कचौड़ी बनाएंगे, एकदम फूली फूली करारी कचौड़ी बनाएंगे। साथ ही मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी कचौड़ी ना तो फटेगी और ना ही बिल्कुल भी खराब होगी, एकदम खस्ता और करारी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक हमने बोल ले लिया है। बोल में हम लेंगे 2 कप जितना गेहूं का आटा, आप चाहे तो मैदा का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही में हमने दिया है थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसके साथ में हम डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल इसमें मोइन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब मोइन को हमें काफी अच्छे से मिक्स करना है, ये सबसे पहला स्टेप है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ऑयल को मैदा में इस तरीके से मिक्स करना है कि उसके कण कण में अच्छे से मोइन चले जाना चाहिए। जैसे कि हलवाई की कचौरी एकदम खस्ता होती है ना, हमारी भी कचौरियाँ एकदम खस्ता बनेंगी। यहाँ देखिए, इस तरीके का मोइन हमने लगा लिया है और ये देखिए आटे के इस तरह की बाइंडिंग हो जानी चाहिए, यानी कि हमारा मोइन जो है वो परफेक्ट है। अब पानी डालते हुए हम इसका आटा गूंदेंगे। दूसरी टिप जो ये है कि इसका जो आटा हमें गूंदना है वो एकदम सॉफ्ट हमें गूंदना है। चाहे आप मैदा से लगा रहे हैं, आप गेहूं से लगा रहे हैं, गेहूं के आटे से लगा रहे हैं, किसी से भी आप आटा लगा रहे हैं, सबसे बड़ी टिप यही है कि आपकी जो कचौरी का आटा है वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हम लोग टाइट आटा लगाएंगे तो क्या होगा, जब हम उसको बंद करेंगे ना तो वो ठीक से बंद नहीं हो पाएगी, चिपक नहीं पाएगी आपस में और फिर वो खुल जाएगी और फटने का भी डर रहेगा। तो ये सबसे बड़ा टिप है कि आपको जो आटा लगाना है वो एकदम सॉफ्ट लगाना है। चपाती से भी अगर आप सॉफ्ट आटा लगाएंगे आपकी कचौरी एकदम फूली फूली बनेगी, बिल्कुल भी फटेगी नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आटा हमने लगा लिया है, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और आटा करके इसको चिकना करेंगे और 10 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लिया है एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार, इसमें हम लोग कुछ मसाले डालेंगे। पहले हम एक खड़ा मसाला बनाएंगे, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने डाली है और इसको पीस कर एकदम दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने ये दरदरा सा मसाला पीस लिया और इसी से आएगा एकदम हलवाई वाला टेस्ट जो हम लोग मार्केट में खाते हैं ना, बिल्कुल वही वाला। अब यहाँ हमने ले लिया है 4 उबले हुए आलू। जरूरी टिप, आप जब भी आलू को डालें, आलू की कचौरी बनाएं, तो आपको आलू इस तरह से ग्रेट करके डालना है या फिर आप मैशर से इतने अच्छे से मैश कर लें कि इसमें कोई भी गठाने या गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगर आलू के अंदर कोई भी गुठली या गठाने रह गई तो फिर आपकी कचौरी का फटने का डर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको आलू को इस तरह से ग्रेट करके ही लेना है। तो हमने चारों आलूओं को इस तरीके से ग्रेट करके ले लिया है, आप इसको इस तरह से मैश भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैन में हमने 2-3 टेबल स्पून जितना ऑयल ले लिया है। ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे हमारा खड़ा मसाला जो हमने अभी हल्का सा ग्राइंड किया था ना, वो वाला मसाला डालेंगे। लो फ्लेम पर हल्का सा इसको हमें रोस्ट करना है। इसके साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही में हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, आप जरूर ऐड कीजिएगा। इसी के साथ में एक बहुत ही जरूरी चीज जो कि हलवाई लोग डालते हैं वो है यहाँ पर 1/4 कप जितना बेसन। बेसन को भी हम साथ में भून लेंगे। बेसन डालने से क्या होगा, एक तो बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, दूसरा क्या होता है जब हम आलू इसमें डालेंगे तो उसमें आलू में मॉइस्चर होता है ना, तो वो पूरे मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेगा और हमारी कचौरी एकदम खस्ता बनेगी, बिल्कुल भी वो सॉगी नहीं होगी चाहे हम कितनी भी देर में उसको खाएं। हम सुबह बनाएंगे, शाम तक, दूसरे दिन तक वो एकदम क्रिस्पी बनी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, बेसन अच्छे से भून गया, अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसमें अब हम ऐड कर देंगे हमारा उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ आलू। मसालों के साथ में इसको भी हम मिक्स कर देंगे और इसी के साथ में इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, जिससे कि हमें बिल्कुल हलवाई वाली कचौरियां मिले, तो उसके लिए हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने कुछ मसाले लिए हैं। तो थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा भुना जीरा, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर। आपने वैसे खड़ा मसाले में लाल मिर्च डाली थी लेकिन थोड़ी सी और डाल देंगे। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हींग और व्हाइट सॉल्ट, सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इससे बहुत ही जबरदस्त वाला टेस्ट आएगा, एकदम परफेक्ट, जैसे हलवाई लोग के हम खाते हैं ना, मार्केट से लेके आते हैं, वही वाला आपका फ्लेवर आएगा। इस तरीके से एक बार जरूर बनाइएगा। सारे ही मसालों को हम इसके साथ में ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक जरूरी टिप कि आपको फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, क्योंकि मसाले हैं, ज्यादा ऑयल वगैरह हमने यूज नहीं किया है तो नीचे से जल भी सकता है। तो आपको लो फ्लेम पर इसको भूनना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है, क्योंकि सभी चीजें तो पहले से पकी हुई है। हमने बेसन भी भून लिया, मसाले भी पके हुए हैं, तो ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, हमारा आटा भी सेट हो गया है। हमने स्टफिंग को दूसरी प्लेट में निकाल दिया है और वो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। आटा देखिए इस तरीके का एकदम सॉफ्ट है। यहाँ पर हमने एक लोफ की तरह इसको बना लिया है, लंबा सा बेल लिया है और अब आटे में से हम कट करेंगे कुछ इस तरीके से लोई। ये देखिए, जितनी भी बड़ी या छोटी आपको कचौरियां बनानी है उस हिसाब से आपको कट करने से पता चल रहा होगा कि मैंने आटा कितना ज्यादा सॉफ्ट लगाया है। बस इसी तरीके का सॉफ्ट आटा आपको लगाना है, चाहे आप आलू की कचौरी बना रहे हैं, प्याज की बना रहे हैं, दाल की कचौरी बना रहे हैं।
बस इस तरीके से सॉफ्ट आटा लगाइए और गोल गोल करते हुए हमको इस तरह से पेड़े बना करके रख लेने हैं। यहाँ देखिए हमने सारे पेड़े इस तरह से बना लिए हैं। अब जो हमारी स्टफिंग है वो भी ठंडी होकर के तैयार हो गई है, तो ये देखिए एकदम परफेक्ट लग रही है स्टफिंग। अब हम इसमें से भी छोटे छोटे से गोले बनाएंगे, जैसे हमने आटे के बनाए हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी टिप है जिसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, आप चाहे दाल के बनाए, आलू की बनाए, कोई भी कचौरी बनाए। आप यहाँ देखिए हमने जितना बड़ा पेड़े का साइज लिया है ना, उससे जस्ट हाफ हमें आलू का साइज लेना है, या फिर दाल की कचौरी बना रहे हैं तो उसका भी हमें जस्ट हाफ इसका साइज लेना है। इससे हमारी कचौरी एकदम फूली फूली बनती है और बिल्कुल भी फटती नहीं है। तो यहाँ देखिए हमने सारे ही आलू की इस तरह से गोले बना लिए हैं, और जो हमारे पास स्टफिंग बच गई है ना, उसको हम कोफ्ते के लिए, सैंडविच के लिए, आलू के पराठे के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इससे पफ पेस्ट्री भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। अब हम कचौरी कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर हमने कचौरी का एक पेड़ा लिया है, आटे का पेड़ा लेकर उसको चारों तरफ से हमें इस तरह से प्रेस करना है। बीच में से मैं बिल्कुल प्रेस नहीं कर रही हूँ, आप देखिए बीच में से एकदम मोटा है, साइड से हमें पतला करना है। बिल्कुल बीचों बीच हम अपने आलू की एक स्टफिंग रखेंगे, चारों तरफ से इसको ऊपर उठाएंगे और बीच में अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे। आप देख रहे हैं एक अंगूठे से मैं इसको प्रेस करती जा रही हूँ, चारों तरफ से उठा करके इसको दबा देंगे। अब यहाँ पर जब हमने आटा सॉफ्ट लगाया है ना, तो वो एकदम अच्छे से बाइंड हो जाएगा और यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगा। अगर वो टाइट होगा ना आटा, तो यहाँ पर चिपकेगा नहीं फिर, और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी कचौरी ऑयल में जाने के बाद में फूट जाएगी। बस इस तरीके से हाथों में रोल किया और ये देखिए हमारी कचौरी का पेड़ा बनकर के तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से हमें और भी पेड़े बनाने हैं, तो मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। बस साइड साइड से आपको इसको प्रेस करना है, और आटा इतना नरम है कि हाथों से इतनी आसानी से हो जाएगा कि आपको बेलने की भी इनको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बीच में हमने पेड़ा रखा और एक अंगूठे से इसको अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे और दूसरे से हम इसको इस तरह से चिपकाते जाएंगे, और यहाँ देखिए बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगी और बहुत एकदम परफेक्ट बनेगी और फूली फूली हमारी कचौरियां बन करके आएंगी। ये देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें निकाल देना है और गोल घुमाते हुए हाथों में इस तरह से हमें पेड़ा बना लेना है। ये देखिए सारे ही पेड़े हम इस तरीके से बना लेते हैं, तो यहाँ देखिए हमने सारे पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। अब जब आपको कचौरी को फ्राई करना है तब आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए एक पेड़ा इस तरीके से उठाएंगे, हथेली के ऊपर रखेंगे और एकदम बीचों बीच, यहाँ देखिए ये वाले हिस्से से हमारे हथेली के बिल्कुल बीचों बीच से हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा टाइट से नहीं करना है, लेकिन इस तरह से हमें बीचों बीच से इसको प्रेस करना है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से पलट लेंगे, पलट कर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से कर देंगे। दोनों तरफ से फूली होती है ना कचौरी, आपने देखी कभी जब हलवाई के यहाँ से हम कचौरी लाते हैं तो दोनों तरफ से फूली होती है, वो एक साइड से नहीं फूली होती है, तो यही टिक है। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, एकदम हल्का, बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं कचौरी दोबारा आपको दिखाती हूँ, हल्के हाथ से अपने हथेली से इसको प्रेस करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से पलट करके दूसरी साइड से भी प्रेस कर देंगे, और उसके बाद में हम इसको बिल्कुल हल्के गर्म तेल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से कचौरियों को हमें फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का गर्म। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल आपका ज्यादा गर्म हो गया तो गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। जब कचौरियां फूल करके ऊपर आएंगी तभी हम इनको छेड़ेंगे। अब यहाँ देखिए गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, क्योंकि ऑयल थोड़ा गर्म हो गया ना, तो मैंने बंद कर दिया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ऑयल और हमारी कचौरियां फूल कर ऊपर आ जाएंगी ना, उसके बाद में हम इनको छेड़ेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी कचौरियां फूल करके ऊपर आने लग गई है, हमने अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है एकदम लो फ्लेम पर। अभी हमें इसको पकाना है, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है। धीरे धीरे सारी कचौरियां ऊपर आ गई है, अब इस टाइम पर हमें क्या करना है, इस स्टेज पर जब ये कचौरियां ऊपर आ जाएंगी फूलने के बाद में, हल्के हल्के झारे से हम इस तरह से इसको प्रेस करेंगे, जैसे हम पूरियां फुलाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। आपने देखा जब लोग हलवाई लोग बनाते हैं कचौरियां, तो वो क्या करते हैं, पूरा बड़ा उनका झारा होता है, वो कचौरियों के ऊपर की तरफ उनको प्रेस करते रहते हैं हल्के हल्के हाथ से बीच बीच में। इससे क्या होता है, सारी कचौरियां एकदम फूल करके आती है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो एकदम बलून जैसी आपकी भी कचौरियां बनेंगी, एकदम गोल गोल, और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से हमारी कचौरियां फूल गई हैं। बस यही ट्रिक है, एक साथ में आप बहुत सारी कचौरियां डाल दीजिए और उनके ऊपर झारा सेट कर दीजिए, या तो फिर बीच बीच में बड़े वाले झारे से प्रेस करते रहिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमारी सारी कचौरियां फूल जाएंगी। नीचे से जब ये हल्की सी गोल्डन हो जाएंगी उसके बाद में हम इनको पलट देंगे। नीचे से गोल्डन होने तक हमें लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है, बिल्कुल फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। जब ये नीचे से सीख जाएंगी तो इनको पलट देंगे, और देख रहे हैं आप कितनी मोटी मोटी फूली फूली हमारी कचौरियां बनी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को अब मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। यहाँ देखिए दोनों तरफ से हमारी कचौरी एकदम फ्राई हो गई, आप देख रहे हैं कितनी गोल मटोल हमारी कचौरियां बनी है। बस अब हम अपनी कचौरियों को निकाल लेंगे और आप देखिए कितनी फूली फूली एकदम खस्ता और क्रिस्पी सी लग रही है, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा एकदम खरी। तो इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, तो यहाँ इसको हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया, इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितनी गजब की हमारी कचौरी बनी है। ये देखिए
एकदम परफेक्ट, बढ़िया, टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता आलू की कचौड़ी फूली फूली बनकर के तैयार हो गई है। बस सेम इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियों को भी फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम बस ध्यान रखना है, पहले लो फ्लेम पर फ्राई करना है, फिर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो ये लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी वाली क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी। तो राज कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप जितनी सूजी ली है। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसको थोड़ा सा मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डाल करके हल्का सा ग्राइंड कर लें, बिल्कुल दरदरा सा उसको यूज़ करें। इसके बाद में 1/2 कप मैदा यूज़ करी है, आप इसकी जगह पर आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप जितना पानी। उसी कप से हमने मेजरमेंट किए हैं सारे, 1 कप पानी है और उसमें हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब हम मार्केट में राज कचौड़ी खाते हैं ना, तो हल्का सा कलर उनका येलो होता है, वो इसी वजह से। तो हम पानी में पहले हल्दी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और अब इसी पानी की सहायता से हम इस डो को लगाएंगे। तो जो डो है वो हमें एकदम सॉफ्ट रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो हमने इसमें सूजी मिक्स करी है, तो सूजी जितना ज़्यादा पानी पिएगी ना उतनी ही ज़्यादा हमारी कचौरी जो है वो बाद में फूल करके आएगी। क्योंकि अगर सख्त होगा ना आटा तो वो बाद में जाके और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फिर कचौरी हमारी फूल नहीं पाएगी। तो इसलिए देखिए हमने इस तरीके का नरम आटा गूंद कर तैयार किया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि सूजी सारा पानी पी करके एकदम फूल कर मोटी हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे बोल में 6 बड़े चम्मच जितना बेसन यूज़ कर रहे हैं। बेसन किस लिए? थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि कचौरी के अंदर स्टफिंग जाती ही जाती है, तो राज कचौरी के अंदर भी स्टफिंग तो ज़रूर जाएगी। बेकिंग सोडा हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1/2 छोटा चम्मच, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस स्टेप को स्किप करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि राज कचौरी जो होती है उसके अंदर भी स्टफिंग तो जाएगी जाएगी, अगर हम स्टफिंग नहीं डालेंगे तो फिर वो राज पूरी बन जाएगी, कचौरी नहीं बनेगी, इसलिए हमें स्टफिंग बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल थिक जैसा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लिक्विड रखेंगे ना इसको, तो फिर कचौरी बेलते टाइम वो बाहर निकलेगा। तो अभी इस तरीके का दिख रहा है, बाद में ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। यहाँ पर जो हमारा डो है वो सेट होकर तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए आप, एकदम सेट हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट सा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार हल्का सा नीट करके इसमें से आप छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। अच्छा, राज कचौरी का जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ का ही रख रही हूँ, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। थोड़े से मैदा के साथ में इसको डस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो आटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है, यानी गीला होता है, तो उसको हमें हैंडल करने के लिए मैदा की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मैदा का यूज़ कर रहे हैं। इसको हल्के हाथ से चारों तरफ फैला लिया है और जो हमारा बेसन का डो है ये देखिए इस तरीके का टेक्सचर इसका हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इस तरीके का टेक्सचर इसका है ये देखिए। बस थोड़ी सी गोली इसमें से निकालेंगे और इसके बीचों बीच रख करके इसको चारों तरफ से उठाएंगे, उठाकर दबाते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे, यानी बिल्कुल भी खुले नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल में जाके खुल गई ना तो फिर हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसको अच्छे से निकालते हुए जो ऊपर का जो डो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना उसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको दबा देंगे अच्छे से। फिर से मैदा में दोबारा से इसको डस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको बेलना है ना, बिना डस्ट करे तो हम इसको बेल ही नहीं पाएंगे। तो मैदा में डस्ट करेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। अच्छा, इसकी जो मोटाई है वो थोड़ी पतली ही रखनी है, मतलब मोटी नहीं रखनी है, थोड़ा पतला ही रखना है ताकि अच्छे से फूले। क्योंकि हम इसकी वैसी कचौरी नहीं बनानी है जैसे हम उड़द दाल की या मूंग दाल की कचौरी बनानी है, इसको हमें राज कचौरी बनाना है जो कि ज़्यादा मोटी नहीं होती है। मीडियम साइज़ का इसको हमें बेलना है। तो यहाँ पर देखिए ये राज कचौरी हमारी बेलकर तैयार हो गई, देख रहा, थोड़ा पतला ही मैंने इसको रखा है। बस इसी तरीके से सारी कचौरी बेलकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, जो ऑयल है वो काफ़ी अच्छा गर्म है। जब हम पूरी को इसमें डालेंगे यानी कचौरी को इसमें डालेंगे उस टाइम जो तेल का टेम्परेचर है वो सही होना चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पर हमें इसको गर्म करना है। लेकिन जब हमारी कचौरी फूल करके ऊपर आने लगेगी ना उसके बाद में हम क्या करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो पर भी नहीं करना, बिल्कुल हाई पर भी नहीं करना, मीडियम पर इसको फ्राई करना है दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक। अब यहाँ पर देखिए ये जो कचौरी है वो हल्की सी फूलने लगी है, ऊपर आने लगी है, तो हम झारे की सहायता से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे, जिससे क्या होगा चारों तरफ से हमारी कचौरी बहुत ही अच्छे से फूल करके आएगी, एकदम गोल मटोल हो जाएगी, राज कचौरी जैसी हम मार्केट में खाते हैं ना बिल्कुल वैसी ही। तो हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे और ये कचौरी जो है वो फूल करके बिल्कुल एकदम मोटी हो जाएगी, गोल गप्पे जैसी। ये देखिए बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी गोल गोल हमारी राज कचौरी बन गई है, वाओ, एकदम परफेक्ट। बस इसी तरीके से हमें इसको फुलाना है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम कर देंगे, यानी मीडियम फ्लेम रखेंगे, हाई भी नहीं लो भी नहीं, मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक इसको हमें फ्राई करना है। लेकिन अभी हमें एक और काम करना है, वो क्या करना है वो देखिए आगे वीडियो में। यहाँ देखिए
यहाँ पर मैंने एक झारा लिया है, झारे की सहायता से थोड़ा थोड़ा जो ऑयल है वो इसके ऊपर डाल रहे हैं। क्यों? इससे क्या होगा कि जो नीचे वाली जो सतह है ना, ऊपर की जो परत है यानी ये जो नीचे जाएगी ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी पिचकेगी नहीं। ये तरीका होता है जो हलवाई लोग होते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं, तो हमें भी वही तरीका यूज़ करना है, बिल्कुल एकदम हलवाई वाले सीक्रेट तरीके से। तो ये सीक्रेट तरीके आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेंगे, और इस सीक्रेट तरीके के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारी कचौरी का कलर काफ़ी अच्छे से डार्क हो गया है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और सारी ही की कचौरियाँ हम ऐसे ही बना करके एकदम ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल ठंडा करने के बाद में इसको हम सर्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने एक राज कचौरी ले ली है, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ये ठंडी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी है। ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी है और ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। बीच में से इसके हम होल कर लेंगे और उसके बाद में हम इसकी राज कचौरी बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने राज कचौरी के बीच में होल कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, हमने उसको कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। चाट में ना बहुत ही अच्छा लगता है आलू, तो हम इस तरीके से कट करके डाल लेंगे। इसके बाद में हमने थोड़े से जो मूंग होते हैं ना उनको रात में भिगो दिया था और सुबह कुकर में सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। हल्का सा इसमें नमक डाल लिया था, तो बस इस तरीके से हमें मूंग भी बॉईल करना है, क्योंकि दुकान वाले भी इसी तरीके से देता है ना, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यहाँ पर हमने जो छोले होते हैं ना, जिसको काबुली चने भी बोलते हैं या फिर छोले भी बोला जाता है, उनको भी हमने रात में भिगो करके कुकर में सीटी लगा ली है, वो ऐड कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास पापड़ी रखी हुई थी तो मैंने पापड़ी का यूज़ भी कर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ये यूज़ कर रहे हैं। आप इसमें काले नमक का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ व्हाइट सॉल्ट का ही यूज़ किया है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करेंगे। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद में भुना जीरे का पाउडर, ये तो ज़रूरी है, हर चाट में ज़रूरी है, तो भुने जीरे का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इसके बाद में हम यूज़ कर रहे हैं मिक्स नमकीन, जो मिक्स वाली नमकीन आती है ना, बस वही वाली नमकीन है। ना हो तो स्किप कर दीजिए, इसकी जगह पर आप बूंदी का यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। और अब इसके बाद में हमने लिया है यहाँ पर फिटा हुआ दही, दही को फेंट लिया है और फेंटते वक्त हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना हल्का सा शुगर ऐड कर दिया था, पाउडर शुगर, और उसके बाद में इसको अच्छे से फेंट लिया है। बस ऐसा ही फटा हुआ दही हमें इसमें यूज़ करना है। इसके बाद में हरे धनिया की चटनी, धनिया पुदीने वाली चटनी होती है ना जो हम चाट वगैरह में यूज़ करते हैं, बस वही वाली चटनी है, और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ में हमने इमली की चटनी भी यूज़ करी है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इमली की चटनी डाल दी है। इसके बाद में थोड़ा सा दही और डालेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा और टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी के साथ में इसके बाद में दोबारा से जो दोनों चटनी है ना वो भी हम थोड़े थोड़े से इसके किनारों पे डाल देते हैं, जिससे ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और स्वाद भी दुगना हो जाएगा। इसके बाद में हरे धनिया की पत्तियों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, बस वो ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती तो बढ़ेगी साथ में स्वाद भी बढ़ेगा। इसके बाद में जो नायलॉन सेव होते हैं या फिर 0 नंबर की जो सेव बोर्ड जिनको बोलते हैं वो ऐड कर रहे हैं, जो कि अधिकतर हर चाट में पड़ती ही है। अगर ना हो तो आप भुजिया नमकीन का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, घर पे ही बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अनार के दाने इस पर डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे, खाने के लिए नहीं लेकिन दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये लीजिए, एकदम मार्केट जैसी चटकारेदार मसालेदार राज कचौरी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ देखिए हम लोगों ने ले लिया है एक बोल, बोल में हम किसी भी कटोरी या कप से नाप करके ले रहे हैं 6 कप मैदा। आप कोई भी कटोरी से मेजरमेंट कर ले, मेजरमेंट करना जरूरी है, इसी से मैं आपको फिर बाकी के सारे मेजरमेंट बता दूंगी। मैदा लेने के बाद में उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसी के साथ में उसी कप से नाप करके हम डालेंगे इसमें 1 कप तेल। अब वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी मिक्स करके डालते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3/4 कप आप इसमें ऑयल का यूज कर लें और बाकी का आप घी का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरी तरह से ऑयल का यूज कर रही हूँ, ऑयल डालने से भी एकदम खस्ता बनती है कचौरी, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेंगी। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस वाली रेसिपी को, आपकी कचौरी बहुत ही बढ़िया बनेगी। बचा हुआ तेल भी हमने इसमें डाल दिया, यानी कि पूरा 1 कप तेल हमारा लग गया है। 6 कप हमने मैदा लिया था, 1 कप उसमें हमने ऑयल डाल दिया है। तो आप किसी भी कटोरी से मेजरमेंट करें, उससे आप इसको मेजर कर लें।
और ये देखिए इस तरह से बांध कर देखा, एकदम परफेक्ट है। इससे ज्यादा ऑयल हमें इसमें बिल्कुल नहीं लेना है। जब हम समोसा बनाते हैं तो उसमें हमें जितनी मैदा होती है उसका 1/4 हिस्सा हम उसमें डालते हैं ऑयल का, लेकिन कचौरी के लिए हमें इसका 1/8 हिस्सा ऑयल का डालना होता है। अब यहाँ पर हम इसमें गर्म पानी का यूज कर रहे हैं आटा गूंदने के लिए। हमने गुनगुना पानी लिया है, गुनगुना पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से भी सॉफ्ट यानी आटा गूंदना है, रोटी से भी सॉफ्ट एकदम चिपचिपा आटा हम इसका गूंद कर तैयार करना है। कैसा होगा आटा अभी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें आप पानी ऐड करते जाइए। लगभग मेरा 1.5 कप जितना पानी इसमें यूज हुआ था। और यहाँ देखिए आपको मेरे हाथ दिख रहे होंगे कितना ये चिपचिपा हमारा आटा बना है। ये देखिए इस तरह से हाथों में लगा रहे हैं तो चिपक रहा है। इस तरीके का ही आटा आपको भी लगाना है, बिल्कुल ऐसा ही आटा आपका होना चाहिए लेकिन गर्म पानी का यूज। अब हम इसको ढक देंगे एक गीले कपड़े से। वो लोग क्या करते हैं आटे को लेकर के पन्नी में उठाकर रख देते हैं, किसी पॉलिथीन में इसको रख दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर आप कोई पॉलिथीन यूज करना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी गीले कपड़े से कवर करके रख दीजिए, एकदम परफेक्ट ऐसा ही हो जाएगा। तो लगभग 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, आटा बिल्कुल सेट होकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ली थी लगभग 200 ग्राम जितनी मूंग की दाल और उसको रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 4-5 घंटे के लिए आप भिगोकर छोड़ दें उसको। दाल के भीगने के बाद में इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो हलवाई लोग यूज करते हैं। वो लोग दाल को भूनते नहीं है, कुछ लोग भूनते भी हैं लेकिन जो मोस्टली लोग जो हलवाई लोग बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। और इस तरह की जो कचौरियां हैं वो बहुत ही बढ़िया बनती हैं। साथ ही में हमने डाल दिया थोड़ा सा हींग का पाउडर। यहाँ पर जो मैं हींग यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसलिए मैंने बहुत कम मात्रा में यूज करी है। अगर आपकी हींग बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो आप थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में यूज करें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आना जरूरी है। साथ ही में डाल दिया हमने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही में हमने डाल दिया है सौंफ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी दरदरी कुटी हुई है वो डाल दी है। आप लोग साबुत सौंफ का यूज करें, अगर आपके पास साबुत सौंफ हो तो वो वाली आप यूज करें, उसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा आएगा। साथ ही में इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा। जी हाँ, हलवाई लोग डालते हैं इसकी स्टफिंग में डालते हैं बेकिंग सोडा। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली मैदा में डाल देते हैं ना, वो लोग स्टफिंग में डालते हैं। और आप इस बार इस तरीके की बनाकर देखिएगा। साथ ही में हमने डाल दिया है यहाँ पर उसी कप से नाप करके 1 कप जितना बेसन। ये 1/2 कप का मेजरमेंट है तो इसे मैंने 2 बार डाल दिया है। तो 1 कप हमने जिस कप से हमने मैदा मेजरमेंट की थी ना उसी कप से नाप कर 1 कप हमने इसमें मैदा बेसन ऐड कर दिया है। और अब उसी कप से नाप कर हमने इसमें डाल दिया है लगभग 3/4 कप जितना यहाँ पर ऑयल, यानी कि ये जो 1/2 कप का मेजरमेंट है ना इससे थोड़ा सा कम हमने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल नॉर्मल है, गर्म या ठंडा यूज नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का हमें यूज करना है ऑयल। जी हाँ, बिल्कुल यही करते हैं हलवाई लोग। वो लोग भी स्टफिंग में इस तरह से ऊपर से ऑयल डालते हैं। और आप इस तरीके से बनाकर के देखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2-3 टेबल स्पून पानी जिससे कि सारे मसाले बेसन और सब कुछ आपस में मिक्स हो जाए। बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपकी स्टफिंग बनकर तैयार होगी। और यहाँ देखिए इस तरह की स्टफिंग ये लग रही है। अभी ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही है लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसको रखेंगे ना तो ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ड्राई नहीं हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। इसको ढक करके 5-7 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए जो हमारी स्टफिंग है वो पहले से काफी ड्राई हो गई है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो गई है। अगर आपको लग रहा है ड्राई नहीं हुई है तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आपकी स्टफिंग। और अब मैं आपको आटा दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने कपड़ा हटा दिया और आपको मैं आटा दिखाती हूँ कि एकदम सेट हो गया उस तरह में, किस तरह चिपचिपा था ना। और ये देखिए अब हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है लेकिन एकदम सॉफ्ट है, यानी कि जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उससे भी कहीं ज्यादा सॉफ्ट हमारा आटा है। लेकिन ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है इस टाइम पर। ये देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से गूंद कर दिखा रही हूँ। ये देखिए है ना एकदम परफेक्ट, बिल्कुल इस तरीके का आटा आपका होना चाहिए तभी जो कचौरियां है ना वो ऊपर से चिपकती हैं। अगर वो आटा हमारा थोड़ा टाइट होगा ना तो ऊपर से चिपकेंगी नहीं और उनका खुलने का डर रहता है। तो आटे को एकदम गीला रखना, सॉफ्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तभी जो हमारा कचौरियां है ना वो ऊपर से परफेक्ट रहेंगी, बिना जोड़ वाली बनकर तैयार होंगी और अच्छे से फूलेंगी भी। अगर टाइट आटा होता है ना तो वो ढंग से फूल नहीं पाती है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा मैदा ले लिया है, उसको थोड़ा सा और गूंदा और इसमें से छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आपको जिस साइज की कचौरियां बनानी है उस साइज की आप बना लीजिएगा, उस तरह से इसमें पेड़े काट कर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ देखिए पेड़े हमने काट लिए हैं, इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। अब इसको मैं स्टफ करना दिखाती हूँ कि वो लोग कैसे स्टफ करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हमने हल्का सा स्प्रेड किया। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना तो बहुत ही आसानी से स्प्रेड हो जाता है, आपको बेलन वगैरह लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाथ से ही बन जाएंगी। तो ये देखिए या तो हाथ से आप कर लें या फिर इस तरीके से चकले पर रखकर भी आप कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ से फैला ली, बीच में से आपको प्रेस नहीं करना है, बीच में से आपको ऐसे ही रखना, थोड़ा मोटा साइड से थोड़ा पतला रखना है इस तरीके से। अब इसके बीचों बीच हम रखेंगे स्टफिंग। तो यहाँ बीचों बीच बिल्कुल हमने स्टफिंग रख दी है। एक और इनका सीक्रेट है वो मैं आपको अभी वीडियो में बता दूंगी, आप पूरे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ किया और बंद कर दिया। अब चारों तरफ की परत को लेकर नीचे की तरफ हम स्प्रेड करेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ना
तो जो नीचे का हिस्सा है ना वो अलग होकर निकल जाएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस किया हमने उंगली और अंगूठे की सहायता से और ये निकल गया। और ये देखिए, बिना जोड़ वाली हमारी कचौरी बन गई है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट, ऐसे ही बनाते हैं ना वो लोग, बिल्कुल ऐसे ही। एक और मैं आपको बताती हूँ कि उनका एक सीक्रेट क्या है। दूसरा, हमने पेड़ा लिया, उसको हाथों से फैला लेंगे। आप ऐसे भी फैला सकते हैं या फिर आप हथेली की सहायता से भी इसको फैला सकते हैं। अब जो हमने पहला टुकड़ा तोड़ करके निकाला था ना मैदा का, है ना, उसको ये बिल्कुल मैदा के इस पेड़े के बिल्कुल बीचों बीच रखते हैं इस तरीके से, है ना। आप देखिएगा कभी भी इस तरीके से रखकर इसके बीच में हम रखते हैं स्टफिंग। इससे क्या होता है कि नीचे से भी खुलने के चांस नहीं रहते। नीचे वाली परत को उठाकर ऊपर रखा, और ये देखिए चारों तरफ की जो परत है इसको उठा करके मैं आपको ऊपर की साइड से दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको परेशानी नहीं आएगी। और ये देखिए सारी चारों तरफ से हमें इकट्ठा किया, और अंगूठे और उंगली की सहायता से वो लोग इस तरह से कट करते हैं। आप इस तरीके से भी कट करके ऊपर का हिस्सा निकाल दिया, बिना जोड़ वाली हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। गीला आटा रहेगा तो अपने आप से ही चिपक जाएंगी, इनको चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और गर्म ऑयल में हमने झारे को इस तरह से सेट कर दिया है। वो भी इसी तरह से करते हैं, तो मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से झारे को बीच में बिल्कुल सेट कर दिया है, फ्लेम को हमने लो रखा है, और बिल्कुल हल्का ही गर्म है हमारा ऑयल। अब यहाँ देखिए इसको हमें कैसे फैलाना है। जब कचौरियां हम स्टफ कर लेंगे, हथेली से बिल्कुल बीचों बीच हमें इसको प्रेस करना है। किनारों पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बीच में ही प्रेशर देना है। और देखा कितनी आसानी से फैल गई। अब झारा जो हमने सेट किया है, झारे के ऊपर ही हमें सारी कचौरियां रखनी है, नीचे नहीं डालनी। नीचे क्या होता है कि जब ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, हल्का सा ऑयल होता है, तो नीचे अगर हम इसको डाल देंगे तो ये कढ़ाई में चिपक जाएंगी और फिर वो फूल कर नहीं आ पाएगी ढंग से। नीचे से कई बार हमारी कचौरी में ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं ना, वो हो जाता है। तो सारी कचौरियां झारे के ऊपर डालेंगे, और जब ये फूल फूल कर बाहर आने लगेंगी ना इसमें से, उसके बाद हम झारे को हटाएंगे। तो यहाँ देखिए सारी कचौरियां फूल करके आने लग गई है यहाँ पर। अब हम झारे को यहाँ से हटा देंगे, और अब झारे को इसके ऊपर हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। जैसे जब हम कचौरियां बनाते हैं, तब हम पूड़ियां बनाते हैं, जब हम फुलाते हैं ना उनको, हल्का हल्का सा झारा लगाकर, बिल्कुल ऐसे ही हल्का हल्का झारा इनके ऊपर लगाएंगे, और ये हल्के से अपने आप ही फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्लेम को इस टाइम पर आपको लो ही रखना है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कढ़ाई बड़ी होती है, और जो उनका चूल्हा होता है वो भी बड़ा होता है, तो वो मीडियम हाई फ्लेम पर इनको कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम रखते हैं, बहुत ज्यादा लो नहीं रख सकते। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ाई बहुत छोटी होती है, तो हमें लो फ्लेम पर इसको करना होगा, तभी हमारी कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। जब ये कचौरियाँ एकदम पूरी तरह से फूल जाएंगी, नीचे से हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे। कब बढ़ाना है, यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए ये जो कचौरियाँ हैं फूल गई हैं, और इनका पीछे से कलर भी हल्का सा चेंज हो गया। आपने देखा नीचे से हल्का गोल्डन कलर आ गया, और भी इससे डार्क कलर आ जाए तो भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनको पलट देंगे। सारी कचौरियों को पलटने के बाद में इस टाइम पर अब हम लोग क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे। पहले हमने लो पे सेका था ना, अब हम इनको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हमें मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा टेम्परेचर स्टार्टिंग में आपको फास्ट नहीं करना है, टेम्परेचर पहले लो रखना है, बाद में ही इनको मीडियम करना है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी हलवाई स्टाइल कचौरियां खस्ता और एकदम कलरफुल बनकर के तैयार हो गई हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये देखिए ये सारी कचौरियां जब ऐसे फूल जाएंगे ना, ये लोग वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी झारे को इस तरह से सेट कर देते हैं, जैसे कि हर एक कचौरी को इस तरह से हमें फुलाना ना पड़े, ऐसे सेट भी कर देते हैं वो लोग। यहाँ सारी कचौरियां हमारी फूल गई है, एकदम बलून जैसी लग रही है ना, फूली फूली मोटी कचौरी, सारी कचौरियां फूल चुकी है। नीचे से इनको सिकने देंगे पहले, जब ही नीचे से सीख जाएंगे, आपने देखिए नीचे से बिल्कुल गोल्डन कलर सा आ गया है, इस तरह से अब इनको पलट देंगे। और अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पे, और मीडियम फ्लेम पर अब हम इनको सीखने देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गई है कचौरियां, लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल। एक बार आप बनाकर देखिएगा, आप हर बार फिर इसी तरीके से बनाना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसे। अब इसको तोड़िए, देखिए ऐसा ही टेक्सचर होता है ना उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए कचौरी का टेक्सचर कि बहुत ज्यादा टाइट हो, तो खाने में भी परेशानी है। टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि वो खस्ता भी हो और खाने में भी बढ़िया लगे। और ये देखिए एकदम ऐसी ही कचौरियां वो लोग उनकी बनती है, तो बिल्कुल वैसी ही कचौरियां हमने भी बना करके तैयार कर ली है। तो कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी से भर करके चार कटोरी मैदा ली है। तो ये जो कटोरी है इससे भर करके मैंने चार कटोरी मैदा ली है, और चार कटोरी मैदा में मैं आधा कटोरी जितना ऑयल डाल रही हूँ, तो इससे जो आपका मोइन है बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आप कोई भी कटोरी एक फिक्स कर लें, उससे आप चार कटोरी मैदा और आधा कटोरी इसमें ऑयल डालें मोइन के लिए। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे। इसके बाद में हम मोइन को एक बार मिक्स कर लेंगे मैदा के साथ में, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पानी लिया है वो नॉर्मल ही लिया है, गर्म पानी का यूज़ नहीं किया है, और एकदम सॉफ्ट आटा हमें इसको गूंदना है, और आटे को हमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं गूंदना है, सिर्फ इसको हमें बाइंड करना है। ये देखिए आटे को हमने गूंद लिया है, और इसको हमने सिर्फ बाइंड किया है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको एकदम ऐसा सॉफ्ट नहीं बनाया है, एकदम चिकना हमें नहीं बनाना है।
तो अभी हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं और ऑयल लगाकर इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम अपनी कचौरी बनाएंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग बना करके तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और गर्म ऑयल में हम 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर है, आप चाहें तो साबुत सौंफ का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाला है। सभी मसालों को हम हल्का सा स्टर कर लेंगे, हल्का सा इनको भूनेंगे, बहुत ही हल्का सा। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी अदरक को ग्रेट करके लिया है, ये भी इसमें हम डालेंगे। आप चाहें तो एक हरी मिर्च को बारीक काट करके वो भी इसमें डाल सकते हैं। फ्लेम को हमें बिल्कुल कम रखना है फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। और इनको हम हल्का सा भून लेंगे अच्छा से फ्लेवर के लिए। गैस को आप बिल्कुल धीमा रखें फ्रेंड्स। सभी चीजों को भून लेने के बाद मैंने यहाँ पर 2 कटोरी जितना बेसन लिया है, जिस कटोरी से मैंने मैदा ली थी उसी कटोरी से नाप करके मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, सॉरी फ्रेंड्स। तो उस इतना ही बेसन आप ले लें और इसको अब हम इसमें डालेंगे अपने पैन में और बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमें इसे भूनना है। तो एक बार हम इसको मिक्स कर लेते हैं सभी चीजों के साथ में और गैस को बिल्कुल कम रखें फ्रेंड्स, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर ही हमें ये सारा काम करना होगा। सभी मसालों के साथ में हमने मिक्स कर दिया है। तो अब हम 1/2 छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1/2 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड की है। आपको अगर तीखा कम पसंद हो तो आप कम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, तो आप इसमें इसी टाइम पर नमक ऐड कर दें। और 1/2 छोटा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है, तो आप इसी टाइम पर इसमें नमक भी ऐड कर दें। मैंने नमक इसमें बाद में ऐड किया था, मैं इस टाइम पे भूल गई थी। तो सभी चीजों को हम मिलाते हुए इसकी एक अच्छे से खुशबू आने तक और उसका कलर चेंज होने तक हम इसको भूनेंगे बेसन को। देखिए कलर का, बेसन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, और इसमें से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल करके ठंडा कर लेते हैं अपनी स्टफिंग को। हमारा आटा भी सेट हो गया है और स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसको हल्का सा और भून लेते हैं, एक बार हल्का सा और बाइंड कर लेंगे और उसके बाद में हम अपनी कचौरियां बनाते हैं। अब हम इसमें से अपनी पसंद की छोटी या बड़ी जैसी भी हम कचौरियां बनाना चाहें उस हिसाब से हम इसमें से लोइयां तोड़ करके बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि आटा चिपक रहा है तो आप हाथों में थोड़ी सी मैदा लगा लें और उसके बाद में लोइयां बनाएं। तो मैंने इतने आटे में से 6 लोइयां बना करके तैयार की है। अब हम एक लोई उठाएंगे और उसको हाथों से इस तरह से फैलाएंगे, क्योंकि जो मैदा है वो काफी सॉफ्ट लगाई है तो ये बहुत आसानी से फैल जाएगी। और इसको बीच में से बिल्कुल भी ज्यादा पतला ना करें, साइड से ही इसको थोड़ा दबाएं और इसमें 1 छोटा चम्मच इसमें आप स्टफिंग डालें या फिर जितनी स्टफिंग इसमें आ सके, बहुत ज्यादा स्टफिंग इसमें ना भरे एकदम से। और स्टफिंग को अंगूठे से अंदर की तरफ दबाते हुए हम साइड से उठाएंगे और कचौरी को बिल्कुल पैक करेंगे। ये कहीं से भी खुली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ऊपर से जो ये आटा है ये काफी बचा है तो आप इसको तोड़ के निकालें, नहीं तो आप इसको अंदर ही दबा दें, जैसे मैंने इसको अंदर ही दबा दिया है। और सेम इसी तरीके से हम अपनी बाकी की कचौरियां भी बना करके भर करके तैयार कर लेंगे। सारी कचौरियां मैंने भर करके तैयार कर ली है। तो अब हम एक कचौरी को उठाएंगे, हाथों में थोड़ा सा मैदा लगाया है और इस तरह से देखिए, इस तरह से हम इसको बीच अपनी हथेली से इस तरह से दबाएंगे, इसको हम बेलेंगे नहीं, हाथों से इस तरह से दबाएंगे बीच में से, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के हाथ से हम इसको किनारों से दबाएंगे और इसको हम बना करके डायरेक्ट तेल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो अभी हमने जो ऑयल है वो भी गर्म कर लिया है, कचौरी तलने के लिए जो ऑयल है वो हल्का गर्म होना चाहिए। तो जो कचौरी हमने इस तरह से हथेली से फैलाई थी वो इसमें डाल देंगे और सारी कचौरियों को हम एक एक करके फैलाएंगे और फैलाते हुए हम इसमें ऑयल में डालते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारी कचौरियों को पहले हथेली से फैला के रख लें और फिर इनको फ्राई करें, तो उससे वो इतनी अच्छी नहीं फूलेंगी। इससे अच्छा है कि आप एक एक कचौरी को इस तरह से फैलाते जाएं और ऑयल में डालते जाएं, इससे कचौरियां काफी अच्छी फूल करके तैयार होती हैं। और ऑयल को मैंने हल्का गर्म किया है और सारी कचौरियां इसमें एक बार में आ जाएंगी, क्योंकि 6 कचौरियां हैं और 6 कचौरियां इसमें एक साथ में आ जाएंगी। तो मैं सभी कचौरियों को फैलाते हुए इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी कचौरियों को मैंने इसमें डाल दिया है फैलाते हुए
और अब हम अपने झारे से हल्के हल्के हाथ से इनको बीच में इस तरह से हिलाएंगे, लेकिन सिर्फ हमें हिलाना है, इनको पलटना बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत हल्के हल्के हाथ से इस तरह से फैलाएंगे जब तक कि ये तैर करके ऊपर नहीं आ जाती हैं। और फ्लेम को हमने बिल्कुल कम किया हुआ है इस वक्त। अगर हम इनको इस तरह से नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से चिपक जाएंगी। ये देखिए जो हमारी कचौरियाँ हैं वो तैर कर ऊपर आने लगी हैं। तो अब हम इनको एक तरफ कर लेंगे सभी को, और पलटेंगे बिल्कुल नहीं, और अपने झारे को हम इनके बीच में इस तरह से सेट कर देंगे कि सारी कचौरियाँ इसके नीचे दब जाएं। ये देखिए इस तरह से, इससे जो हमारी कचौरियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी फूल जाती हैं, और बीच बीच में आप इसको हिलाते हुए दोबारा सेट कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड, झारा लगाने की वजह से हमारी सारी कचौरियाँ कितनी अच्छे से फूली हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी सारी कचौरियाँ फूली हैं, क्योंकि हमने झारा इस तरह से सेट किया था। जो हलवाई लोग होते हैं वो भी इसी तरह से करते हैं, तो आप एक बार इस तरह से इसको ज़रूर करें। और अब हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर नीचे से गोल्डन होने तक पहले फ्राई करेंगे। इनको बिल्कुल भी नहीं पलटना है अभी हमें। जब ये नीचे से गोल्डन कलर की हो जाएंगी उसके बाद हम इनको पलटेंगे, तो तब तक हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख सकता है कि नीचे से ये गोल्डन हो गई है, इनका कलर चेंज हो गया है। तो आप कोई नाइफ ले लें और नाइफ से इस तरह से इनको पलटें। झारे से आप इसको बिल्कुल भी ना पलटें, नहीं तो ये नीचे से फूट सकती हैं। तो आप नाइफ की मदद से इनको इस तरह से पलट दें। और अब हम गैस को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सारी कचौरियाँ कितनी अच्छी फूल करके तैयार हुई हैं, बिल्कुल बलून जैसी। तो हमारी सारी कचौरियाँ दोनों तरफ से अच्छी गोल्डन कलर की हो गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई किया है इन सभी को। तो अभी हम सारी कचौरियों को बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। अब हम झारा लगा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से अच्छी गोल्डन कलर आ गया है इन पर। तो अब एक एक कचौरी को बाहर निकाल लेते हैं नैपकिन पर, जिससे कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल इसमें होगा तो वो निकल जाएगा। आप देख सकते हैं सारी कचौरियां, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारी कचौरियां हमारी फूली हैं, कोई भी कचौरी ऐसी नहीं है जो नहीं फूली है, और सारी कचौरियां हमारी दोनों तरफ से फूली हैं, एक तरफ से नहीं फूली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कचौरियां फूल करके तैयार हो गई हैं। कचौरी बनाने के लिए मैंने 2 कप जितनी मैदा ली है, वजन में देखें तो ये लगभग 300 ग्राम है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ में 1/2 छोटा चम्मच लगभग चीनी इसमें ऐड करनी है। ये ज़रूरी है, इसको ज़रूर डालें आप। सभी सूखी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/4 कप जितना। मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ मोइन के लिए, आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, डालडा घी का यूज़ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब घी को हम पूरे आटे में अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें रगड़ते हुए इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से पूरे आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब हम पानी डालते हुए इसका एकदम नरम आटा गूंद कर तैयार करेंगे, जैसे चपाती का लगाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा नरम हमें आटा इसका गूंदना है। तो लगभग मैंने 1 कप जितना इसमें पानी लिया है, तो थोड़ा सा पानी मेरा बच गया था, इतना पानी हमको यूज हुआ है इस आटे को लगाने में। तो ये देखिए थोड़ा सा लगभग 2-3 टेबल स्पून जितना पानी बच गया है, इतना हमें पानी इसमें यूज करना है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी थोड़ी हमें लेयर्स बनानी होंगी, क्योंकि ये जो आटा है ना थोड़ा अलग तरीके से लगता है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड किया, 1/2 छोटा चम्मच जितना तेल इसमें हम ऊपर लगाएंगे, और फिर से इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से फिर से तेल डालेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से ऑयल को स्प्रेड करेंगे, और फिर इसमें एक लेयर बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से फोल्ड किया। इस तरीके से हमें 9 बार इसमें फोल्ड्स बनाने हैं, जिससे कि इसमें से अंदर से अच्छी सी लेयर्स बन जाएंगी। तो ये बहुत ही अलग तरीका है प्याज की कचौरी का आटा लगाने का। नॉर्मल कचौरी का आटा अलग तरीके से लगता है, प्याज की कचौरी का आटा अलग तरीके से लगता है। 9 लेयर्स बनाने के बाद में आप देख रहे हैं आटा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अब हमें इसको जो किचन सरफेस है उस पर इस तरह से रखते हुए उसको रगड़ कर अच्छे से चिकना करना है, पटक पटक कर हमें इसको 4-5 बार अच्छे से मैश करना है, जिससे कि एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसको ढक करके लगभग 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो एक कपड़ा ले लेंगे, हमने सूखा कपड़ा ही यहाँ पर लिया है, सूखे कपड़े से ढक करके इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मसाला बनाएंगे। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम ले रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच जितना धनिया, साबुत धनिया का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद में 1/2 छोटा चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हमने लिया है सौंफ, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन,
इसके बाद में दो पिंच इसमें हींग का ऐड कर दिया है। सभी मसाले आप इसी तरीके से यूज करें इसी क्वांटिटी में। 4 से 5 साबुत लौंग इसमें ऐड कर दी है, 8 से 10 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, और 2 हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1 छोटा चम्मच शक्कर इसमें ऐड कर दी है और 1 पिंच सिट्रिक एसिड यानी टार्टरी का यूज किया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कट करके लिया है और थोड़ा सा नमक डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से कोर्सली ग्राइंड किया है, एकदम फाइन पाउडर हमें इसका नहीं बनाना है, इस तरीके से ग्राइंड करना है। तो ये देखिए अब हम मसाले को भूनेंगे। तो लगभग 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल हमने एक पैन में गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद में जो हमने मसाला पीसकर तैयार किया था उसको हम ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है लगभग 10 सेकंड के लिए। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज को मोटा मोटा चॉप कर लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे और हमें इसको हाई फ्लेम पर सौते करना है। हाई फ्लेम पर ही हम इसको सौते करेंगे, लगभग 1 मिनट के लिए हम इसको सौते करना है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं गलाना है। प्याज को सौते करने के बाद में मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को ग्रेट कर लिया है। इनको आप ग्रेट कर ही लें और उसको मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें सभी मसालों को आलू के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। 1 छोटा चम्मच चीनी का इसमें ऐड कर दिया है, ये बहुत जरूरी है डालना। और 1 पिंच हमने सिट्रिक एसिड यहाँ पर दोबारा यूज किया है। तो जो भी मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो बहुत जरूरी हैं, आप सभी चीजों को जरूर यूज करें। सभी मसालों को मिक्स करेंगे और एक पोटैटो मैशर की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, क्योंकि अगर हम स्पून से या स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे तो इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पोटैटो मैशर से हम इसको मिक्स करेंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसका ध्यान रखें कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर आपको नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो कचौरियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी बाद में। मॉइस्चर अच्छे से निकाल दें और उसके बाद इसको ठंडा कर लें। इसके बाद में एक बाउल में हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच इतना मैदा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक स्लरी बनाकर हमें तैयार करनी है। तो स्लरी आप सभी लोगों को आती होगी, नहीं तो आप इस तरीके से पानी डालकर इसका पतला सा घोल बनाकर तैयार करें। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इसके बाद में हम कचौरियां बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक मेजरमेंट ले लेना है। तो मैंने 1/4 कप वाला जो मेजरिंग कप होता है वो यूज किया है। हम थोड़ा थोड़ा सा मैदा निकालकर इसमें इसको मेजर करेंगे। 1/4 कप जितना हम डो लेंगे, ये देखिए इस तरीके से मेजर करेंगे और इसकी लोई बनाकर तैयार करते हैं। तो सारे डो को हम इसी तरह से मेजर करके इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरीके से हमारा जो मसाला हमने यानी स्टफिंग जो तैयार की है उसको भी हम इसी कप से सेम क्वांटिटी में मेजर करेंगे, यानी 1/4 कप जितना हमने डो लिया है और 1/4 कप जितना ही हमें इसमें से स्टफिंग लेनी है। तो दोनों बिल्कुल इक्वल मात्रा में होंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको भी मेजर करेंगे और छोटी छोटी बॉल जैसी इसकी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी बॉल बना लेनी है। तो पूरी स्टफिंग की हम बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने बॉल और लोई दोनों बना ली है। अब एक लोई को उठाएंगे, सरफेस पर रखेंगे और हाथों की सहायता से इस तरह से फैला लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट आटा होता है तो हाथों से इजीली फैल जाएगा। अब एक हमने स्टफिंग बनाई थी ना, बॉल बनाई थी स्टफिंग की, बीच में रखेंगे और चारों तरफ से उठाते हुए इसको ऊपर से हम पैक करेंगे। बहुत ही आसानी से पैक हो जाएगी क्योंकि आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हमने लगाया है। और जो ऊपर अगर एक्स्ट्रा आपके पास आता है तो आप उसको निकाल दीजिए डो को, नहीं तो आप इसी में ये देखिए इस तरीके से दबा दीजिएगा या तो, या फिर ऊपर से आप हल्का सा निकाल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब इसको हमें हाथों की सहायता से ही फैला देना है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम इसको दबाते जाएंगे चारों तरफ से और इसको हमें मसाला पूरी तरह से कचौरी में फैल जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा साइज इसका होता है जोधपुरी प्याज की कचौरी का। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैला लिया है, कचौरी हमारी इस तरह से बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, सबसे मेन पोर्शन इसका आता है क्योंकि कचौरियां ऑयल में जाने के बाद में खुल जाती हैं। तो इसके लिए हमने जो स्लरी बनाई थी ना उसका यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, जो जिस साइड से हमने इसको बंद किया था ना, जिस तरह से हमने पैक किया था, उस साइड पर थोड़ी सी स्लरी इस तरह से लेंगे, हाथों की सहायता से इस तरह से फैला देंगे और एक प्लेट में कचौरी को उठाकर रख देंगे। तो सारी कचौरी हम पहले इस तरीके से बना लेंगे और बाद में हम फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी सी स्लरी सूख भी जाएगी। तब तक यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत ही तेज गर्म है, यानी अच्छा गर्म हमें ऑयल चाहिए फिलहाल। कचौरी को इसमें डालेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक इस पे हल्के से बबल्स दिखने नहीं लग जाते हैं। सिर्फ इतना सा हमें इसको पकाना है
और कचौरी को हम बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद में कचौरी को ठंडा करेंगे। कचौरी को फ्राई करते टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि कचौरी कहीं से खुल रही है, कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करें, कचौरी को बाहर निकाल लें और जो स्लरी हमने बनाई है ना, वो स्लरी उस जगह पर लगा दें जहां से कचौरी फट रही है, और उसको 5-7 मिनट के लिए सूखने दें और फिर से आप फ्राई करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो कचौरी इससे फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी कचौरी बनकर तैयार होगी। तो देखिए हल्के हल्के बबल्स आपको दिखने लगे हैं इसके ऊपर, ये देखिए इस तरीके से इसको हल्का सा पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। लगभग 1-2 मिनट ही हमें इसको फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। अब हम कचौरी को बाहर निकाल लेंगे, हल्के हल्के बबल्स आपको दिख रहे हैं, कचौरी को बाहर निकाल लेंगे और सारी कचौरियां हम पहले इस तरीके से हाई फ्लेम पर फ्राई करके रख लेंगे और उसके बाद में आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। सभी कचौरियां हमने फ्राई कर ली हैं, अब हमने गैस को बंद कर दिया है और ऑयल को हमें अब पूरी तरह से ठंडा होने देना है। कचौरियां भी तब तक ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद में हम इनको फिर से फ्राई करेंगे। अभी जो ऑयल है वो बिल्कुल हल्का सा गर्म है, बिल्कुल हल्का गर्म रह गया है, तो अब हम कचौरियां इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप कचौरियां उसमें डाल दें और एकदम धीमी आंच पर हमें इसको दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कचौरियां कितनी अच्छी तरह से फूल गई हैं, एकदम धीमी धीमी आंच पर हमें दोनों तरफ से पलटते हुए इनको फ्राई करना है। कचौरियां हमने पलट दी हैं अच्छे से, दोनों तरफ से गोल्डन हो कलर इसका आ जाएगा, तब हम इन कचौरियों को बाहर निकाल लेंगे और सारी कचौरियां इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ये दो कचौरियां फ्राई हो चुकी हैं, तीसरी कचौरी मैंने डाल दी है बीच में ही। तो ये दोनों कचौरियों को हम बाहर निकाल लेंगे, एकदम क्रिस्पी लग रही हैं, बहुत टेस्टी लग रही हैं। और ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, एकदम बिल्कुल यूनिक है, अलग है सबसे, और अभी तक शायद ऐसी रेसिपी आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इसकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आटा लगाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है और फ्राई करने का तरीका भी सबसे अलग है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, एकदम मार्केट जैसी कचौरी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर हमने सारी कचौरियां बनाकर तैयार कर ली है, मैं कचौरी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और अंदर की जो स्टफिंग का टेस्ट है ना वो इतना अच्छा है दोस्तों कि आपको मार्केट की कचौरियों को भूल जाएंगे, लोग उसको बिल्कुल सस्ते में बनाने वाले हैं। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। जो हमारे यहाँ कचौरी मिलती है ना उसमें शायद ये मसाला नहीं होता, क्योंकि हमें वो टेस्ट नहीं मिला था। तो जिस तरीके से वहां बनती है जोधपुर में, वो आपको बता रही हूँ। तो 10-12 काली मिर्च हमने ले ली है और इसी के साथ में हम ले रहे हैं लगभग दो के करीब हमने लौंग ले ली है। साबुत हमें दोनों चीजें लेनी है, आप पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का ले लिया है और इसी के साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पर हरी इलायची। तो हम क्या करेंगे, जो हरी इलायची का छिलका होता है ना उसको तो निकाल देंगे, उसको जो बीज है वो यूज करेंगे, लेकिन ये जो छिलके हैं इनको हमें वेस्ट नहीं करना है। इसको हम चाय की पत्ती में, चीनी में डाल देंगे, जिससे कि चाय में अच्छी सी खुशबू आती है। तो हमने दो हरी इलायची ले ली है और दोनों के ही बीजों को निकाल लेंगे और छिलकों को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने लिए ये बड़ी इलायची, जिसको कई जगह डोड़ा भी बोला जाता है या फिर बड़ी इलायची इसको बोलते हैं या फिर काली इलायची भी बोलते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा कूट लेंगे और उसके बाद में इसके जो बीज हैं उनका हमें यूज करना है और जो छिलका है उसको हम अपनी पत्ती के साथ में ही रख देंगे, चाय की पत्ती जो होती है उसके साथ में रख देंगे, इससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अच्छा आप ये वाले मसाले के साथ में आप बनाकर देखना, आपको लग रहा हो ना कि मीठी चीज है और फिर उसमें इस तरह के मसाले डालेंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है जब हम इन मसालों के साथ में इसको बनाएंगे, बहुत ही प्यारा सा इसका फ्लेवर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे मसाले अपने कटोरी में इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इसको इमाम दस्ता बोलते हैं, खलबट्टा भी बोलते हैं, इसमें हम इनको दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हम हल्का सा दरदरा कूटेंगे ना तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए सारे मसाले को हमने दरदरा सा कूट लिया है और ये बस इस मसाले को हम यूज करेंगे अपने फिलिंग के अंदर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस मसाले के साथ में ही हम लोग 1/4 छोटा चम्मच सॉल्ट का पाउडर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा हमने जायफल लिया है, जायफल को हमें इसमें कूटना नहीं था, हम इसको हल्का सा ग्रेट करके डालेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें लेना है। आप देख रहे हैं मैंने छोटा सा पीस लिया था और उसमें थोड़ा सा हम इसमें ग्रेट करके मिक्स कर देंगे। जायफल का टेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है किसी भी मिठाई के अंदर, अगर आप इसको यूज करते हैं तो, जो मावे की मिठाई होती है स्पेशली। अब यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई में हमने लिया है 150 ग्राम जितना मावा, मावा को हम कढ़ाई में डाल करके भून लेंगे। अब अगर यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मावे के अंदर घी ज्यादा होता है, जैसे मैंने ये घर पे बनाया है तो मैंने घी अच्छे से डाला है क्वांटिटी में,
लेकिन हम मार्केट से लेके आते हैं तो कई बार घी ज्यादा नहीं होता है, तो आप पैन में थोड़ा सा घी डाल करके फिर इसको रोस्ट कर सकते हैं अगर इसमें घी कम लगता है आपको मावे के अंदर। और अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज कर रहे हैं तब भी आप पहले घी डाल लीजिएगा, उसके बाद में मावे को रोस्ट करना, नहीं तो फिर मावा जो है वो पूरी कढ़ाई में चिपक जाएगा, फिर अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो हमारा मावा है उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है, आप देख रहे हैं काफी अच्छे से ये भुनने लगा है, इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने मसाला पहले बनाया था ना, अभी प्रिपेयर किया था, वो मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। और अब इस मसाले के साथ में भी हम लगभग 2-3 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, जिससे कि मसाले की खुशबू पूरे मावे में मिक्स हो जाए और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारी कचौरी बनकर फिर तैयार होगी। मावा अच्छे से भून गया है तो इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद में फिर हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है हम लोग आटा लगा लेते हैं। तो डो लगाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले ली है, यहाँ पर लगभग लगभग ये 200 ग्राम जितनी मैदा होगी, तो इतनी मैंने मैदा ले ली है। और मैदा के साथ में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मीठी चीजों में हल्का सा नमक डाला तो उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मैं आज इसमें बिल्कुल भी नमक यूज नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बना रही हूँ। तो लगभग लगभग 2-3 चम्मच में जितना मैंने इसमें घी डाल दिया है, आप घी की मात्रा इस पर डिपेंड करती है कि आप मैदा कितनी ले रहे हैं, तो आप घी को पहले अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसको बाइंड करके देखें, अगर वो अच्छे से बाइंड हो रहा है इसका मतलब मॉइन बिल्कुल परफेक्ट है, फिर आपको दोबारा घी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, घी की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जब रिफाइंड ऑयल लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मेल्ट हुई चीजों में और इस तरह की चीजों में दोनों में फर्क होता है। तो देखिए अच्छे से बाइंड हो गया, इसका मतलब परफेक्ट है, हमें और घी डालने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने पिछली बार आपको समोसा सिखाया था ना, अभी ड्राई समोसा, तो हमने जो आटा लगाया था वो एकदम टाइट लगाया था, तो ये डिफरेंस है कि अगर जब आपको समोसा बनाना है तो आपको आटा टाइट गूंदना है, और जब आपको कचौरी बनानी है तो आटा आपको सॉफ्ट गूंदना है। जो भी कचौरी आप बनाए, चाहे दाल की कचौरी बनाए या मीठी कचौरी, जैसी भी आपको बनानी हो तभी। अब यहाँ देखिए आटा हमारा लग गया है, एकदम सॉफ्ट आटा हमने लगाया, देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है ये। तो इसको अब हम ढक देंगे और ढक करके लगभग 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे बिल्कुल एक आटा फूल जाएगा। और ये देखिए हमारा मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया है बिल्कुल एकदम परफेक्टली। तो अब हम इसकी कचौरियां बनाएंगे, और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना पाउडर शुगर ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस कचौरी के अंदर हम चाशनी भी यूज करते हैं, तो अगर आपको चाशनी नहीं पसंद तो आप मावे के अंदर थोड़ी सी शुगर और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मैं बाद में चाशनी डालने वाली हूँ, तो मैंने 1 चम्मच इसमें पाउडर शुगर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम चाशनी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप जितना हमने शुगर ले लिया है, आप कितनी भी क्वांटिटी में शुगर ले सकते हैं, क्योंकि जो सिरप है वो हमें कचौरी के अंदर डालना होता है, तो आपकी मर्जी होती है कि आप कितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं। और हमने 1 कप शुगर लेने के बाद में 1 कप ही उसमें पानी ऐड करेंगे, और अब हम चाशनी में बॉईल आने देंगे, यानी कि पहले बॉईल आने देंगे, और इतनी हमें चाशनी बनानी है जैसे गुलाब जामुन की बनाते हैं ना हम लोग, हल्की सी चिपचिपी जैसी, बस ऐसी ही चाशनी हमको बनानी है। थोड़े से केसर के थ्रेड से मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे काफी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाएगी, वो आपकी मर्जी है, अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीनी के घुलने तक पहले पका लेते हैं और फिर लगभग 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, और चाशनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए काफी अच्छा सा कलर आ गया है चाशनी का, चाशनी भी एकदम तैयार है। आप इसको थोड़ा सा चिपका करके देख सकते हैं कि हल्की सी चिपचिपी जैसी लगनी चाहिए, बस इस तरह की चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है मुझे परफेक्ट लग रही है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने देंगे। ये देखिए गैस को अब हम बंद करेंगे, पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चाशनी बिल्कुल ठंडी हो रही है, मसाला तैयार है, आटा भी तैयार हो चुका है, तो बस अब हमें कचौरियां बनानी है। तब आप देखिए कि हमारा जो आटा है वो कितना ज्यादा सॉफ्ट है। तो इस आटे में से अब हम लोइयां तोड़ लेते हैं, जितनी हमें कचौरियां बनानी है, तो ज्यादा छोटी छोटी नहीं बनाएंगे, थोड़े सही साइज की बनानी होंगी। तो इतने आटे में से मैंने 5 कचौरियां बनाकर तैयार की थी, ये देखिए। अब इस तरह से उठा करके हम इसकी लोई बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्ट आटा हमारा है। सारी लोइयां हम इसी तरीके से बना लेते हैं, सारी लोइयां बना ली है। अब देखिए कचौरी कैसे बनानी है, हमने एक लोई उठा ली है और उसको हाथों से इस तरह से फैला लेंगे, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट है तो इसको हम हाथों से फैला सकेंगे। किनारे से हमको फैलाना है, बीच में से इसको प्रेस नहीं करना है, किनारे से फैलाएंगे, बीच का हिस्सा हमें मोटा रखना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम कचौरी को हाथ में उठाएंगे और इसको बीचों बीच हम अपनी स्टफिंग रखेंगे, जो हमने अभी मावे की स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग इसमें डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, आपको गर्म गर्म स्टफिंग नहीं रखनी है।
और अब इसको हाथों से पिंच करते हुए हमें अच्छे से चिपकाना होगा, क्योंकि अगर ये खुल गया ना तो फिर पूरा मसाला बाहर आ जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं होगा। अब इसको अच्छे से पिंच करते हुए हमें अच्छे से चिपकाना है और पूरे आटे को एक लोई की तरह बना लेना है, बिल्कुल भी जोड़ नहीं दिखना चाहिए, कचौरी वो ही परफेक्ट होती है। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से चिपका देंगे। अगर आपको लगता है तो आप थोड़ा सा पानी का यूज भी कर सकते हैं कि कहीं खुली ना रह जाए, तो आप पानी का यूज भी कर सकते हैं। बस आपको इस तरीके से गोले बना के रखने हैं, अभी आपको इसको दबाना नहीं है। सारी कचौरी आप पहले इस तरीके से बना लीजिए और उसके बाद में हम इसको फिर फ्राई करेंगे ना, तब हम इसको अच्छे से प्रेस करें और फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए, दूसरी कचौरी भी हम सेम इसी तरीके से बना लेंगे, स्टफिंग भरेंगे और इसको अच्छे से पिंच करते हुए चिपका लेना है और सारे ही गोले इसी तरीके से बना करके रख लेने हैं। तो अब हम कचौरी को फ्राई करेंगे, तो इसको फ्राई करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, हम उस तरीके से फ्राई करेंगे। पहले हमने ऑयल को काफी अच्छे से गर्म कर लिया है, अच्छे से इसको हाथ लगाकर देखेंगे अगर ऊपर तो अच्छी हीट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें गोले को किस तरीके से प्रेस करना है। हथेली पर रखेंगे, जोड़ वाला साइज ऊपर रखेंगे और अपने हथेली के ये देखिए इस साइड से हम इसको बीच में से प्रेस करेंगे। किनारे से हमें प्रेस नहीं करना है, बीच बीच वाला जो हिस्सा है वो प्रेस करेंगे, जिससे कि जो स्टफिंग थी ना वो चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बाकी की सारी कचौरियां हम सेम इसी तरीके से पहले प्रेस करके रख लेते हैं। जितनी कचौरियां एक बार में आ सकेंगी ना तेल में, उतनी कचौरियां आपको एक बार में प्रेस करनी है, इस तरीके से फैलानी है। पहले अच्छे गर्म ऑयल में हम कचौरी को डाल देंगे और इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा मतलब बिल्कुल व्हाइट सी ही होनी चाहिए, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगी यहाँ से, और बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, पलट देंगे, बिल्कुल भी कलर इसका चेंज नहीं होगा। बस ऐसा ही हमें इसको फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करके इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और बाकी की सारी कचौरियां भी हम इसी तरीके से पहले फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा हमने इसको फ्राई किया है, कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। बस ऐसे इसको फ्राई करके रख लेते हैं, बाकी की सारी कचौरियां भी ऐसे फ्राई करके रख लेते हैं। इससे क्या होगा, इसका फूटने के चांस खत्म हो जाते हैं और फिर जब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी कचौरियां हमारी नहीं फूटेंगी। तो पहले सारी कचौरियां इसी तरीके से फ्राई करके रख लेते हैं हल्का सा। कचौरियां फ्राई करने के बाद में तेल को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा जब गर्म हो तब हम कचौरी को इसके अंदर डाल देंगे और फिर कचौरी जब फूल के ऊपर आ जाएगी ना तब हम मीडियम फ्लेम पर इसको दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कचौरी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी और फिर हम सारी कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी कचौरी एकदम फूल करके ऊपर आ गई है, ये देखिए एकदम फूली फूली सी ही लग रही है। तो अब हम इसको पलट लेंगे और पलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। देख रहे हैं आप किस तरह कितना अच्छा इसकी फूल गई है ये कचौरी। बस बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसको फ्राई करना है, जब ये फूल कर ऊपर आ जाएगी गोल्डन कलर इसको होने तक हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। सारी कचौरियां ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमने सारी कचौरियां फ्राई कर ली, एकदम फूली फूली कचौरियां हमारी बनी है। अब हम इन कचौरियों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, जब आपको सर्व करना हो तब आप कैसे सर्व करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब आपको कचौरी को सर्व करना हो तो कचौरी को आप ले लें इस तरीके से और इसको बीचों बीच हमें एक होल करना होगा। तो आप होल या तो फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से किसी भी चीज की सहायता से बीच में इस तरीके से होल बना सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमने होल बना लिया है। बस इस तरीके से आपको सारी कचौरियों में होल बनाना है जब आपको सर्व करना है, उससे पहले पहले करके नहीं रखना है ये वाला स्टेप। जब आपको सर्व करना है तब आपने इस तरह से होल बनाया और अब हम क्या करेंगे, हमने जो चाशनी बनाई थी वो चाशनी इसके अंदर डालेंगे और थोड़ी सी चाशनी इसके बाहर डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पर मीठे की मात्रा इस पर डिपेंड करती है कि आपको कितना मीठा पसंद है। चाशनी आप थोड़ी कम भी डाल सकते हैं, थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी होती है। और इसके अलावा अगर आप चाशनी ना भी डालें ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि जो मावा है वो मीठा होता है और हमने थोड़ा सा पाउडर शुगर भी डाला था वो भी मीठा होता है। तो आप इसको बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। तो बहुत ही हल्की सी मीठी मिठाई होती है, बहुत टेस्टी भी लगती है। और आप इसको चाशनी से डालना चाहें तो आप चाशनी से सर्व कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट से हमने इसको गार्निश कर लिया है। आप इसमें चांदी का वर्क लगा सकते हैं, केसर के थ्रेड्स लगा सकते हैं और कोई ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो हमारी ये एकदम लाजवाब कचौरियां बनकर तैयार हो गई हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपने बनाई या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको कौन सी कचौरी ज्यादा पसंद है, ये कचौरी पसंद है या दाल वाली कचौरी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वाली रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।